चार दिन रह गए हैं और दो या तीन दिन के बाद जो है वो जेनीवा में कॉन्फ्रेंस होनी है। और वो ये है कि IMF चीफ डिक्लाइन PM इनवाइट टू जेनीवा बूट। आप जानते हैं कि एक पाकिस्तान जो क्लाइमेट रेजिलियंस पर एक कॉन्फ्रेंस करवा रहा है उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने उनको इनवाइट किया कि आप भी तशरीफ लाए उसके अंदर, तो खबर ये है कि उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। इससे पहले इसको डोनर्स कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा था। अक्वामे मुत्तहिदा ने जो इसका नाम दिया है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट रेजिलियंट। और ये डोनर्स कॉन्फ्रेंस अब इसलिए नहीं है गालिबन कि वहां पर जो तवक्को पाकिस्तान की थी कि 8.2 अरब डॉलर वहां से मिले। बस आप हैरान हो जाएंगे अगर मैं इंडिया के बारे में बताऊंगा, इंडिया का जो इनकम टैक्स है एक साल के अंदर 300 बिलियन डॉलर की इनकम टैक्स इकट्ठा हुआ है जो कि पाकिस्तान की पूरी GDP से भी ज्यादा है। मेडे 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 अब तो ऑपरेशन थिएटर्स में कह रहे हैं कि सिर्फ एक महीने बाद बड़ी खौफनाक सूरत हाल हो सकती है कि ऑपरेशन शायद ना हो पाए, इक्विपमेंट नहीं आ पा रहा। बल्कि आप लोग इंडिया के बारे में ये चीजें सुन रहे होते हैं कि इंडिया डे बाई डे डेवलप होता जा रहा है, तो वो भी तो हमारे साथ ही आजाद हुए, तो ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान जो है वो पीछे रहता जा रहा है? बातचीत ही सिर्फ हो गई है और उनके लिए जो लोग हैं वो नहीं आएंगे। लोग इतना मारेंगे आपको आकर कि आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर हम इंडिया की तब बात मान लेते तो आज हमारी दो या तीन दिन के बाद जो है वो जेनीवा में कॉन्फ्रेंस होनी है और वहां पर भी IMF की डेलीगेशन ने होना है। और इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑन रेजिलियंट पाकिस्तान इसका कॉन्फ्रेंस का नाम कर दिया है। इससे पहले इसको डोनर्स कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा था। अक्वामे मुत्तहिदा ने जो इसका नाम दिया है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट रेजिलियंट। और ये डोनर्स कॉन्फ्रेंस अब इसलिए नहीं है गालिबन कि वहां पर जो तवक्को पाकिस्तान की थी कि 8.2 अरब डॉलर वहां से मिले, 16.2 अरब डॉलर का से ज्यादा मेरा तो ख्याल से ज्यादा नुकसान हुआ है और पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा उससे मुतासर हुआ है, अभी तक मुतासर है। लेकिन डोनर्स कॉन्फ्रेंस का जो लफ्ज है वो अब इस्तेमाल नहीं हो रहा, पहले ये था कि डोनर्स कॉन्फ्रेंस, ये लफ्ज जो है ये मैंने पहली दफा सुना है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन क्लाइमेट रेजिलियंट पाकिस्तान। अच्छा, तो अब तमाम जो दारोमदार है वो है सऊदी अरेबिया से 3 अरब डॉलर हमें मिलते हैं, UAE से कितने मिलते हैं और चाइना के वजीर आजम से भी बात की है शहबाज शरीफ साहब ने, और शहबाज शरीफ साहब को खुद जो बात करनी पड़ती है इन हालात में जो लेकिंग है उनके प्राइम मिनिस्टर से, तो इसका मतलब ये होता है कि जाहिर है वहां पर वजारत खजाना फिर अपना काम नहीं कर पा रही या वो सही तरह से उन्होंने, तो बात ये सारी कि अब $1 बिलियन के लिए जब मुल्क की बात आती है तो $1 बिलियन नहीं निकल रहे। तो अब इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान में प्याज एक साल में जो आज फिगर्स आई है सामने 501% महंगा हो गया और मुर्गी 82%, तनख्वाहें तो नहीं बढ़ी लोगों की, बेरोजगारी बढ़ रही है। एक तो खबर ये है मैं आपके सामने रखे देती हूँ, जियो के अलावा तमाम हर जगह पर पब्लिश हो रही है और वो ये है कि IMF चीफ डिक्लाइन PM इनवाइट टू जेनेवा बूट। आप जानते हैं कि एक पाकिस्तान जो क्लाइमेट रेजिलियंट पर एक कॉन्फ्रेंस करवा रहा है उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने उनको इनवाइट किया कि आप भी तशरीफ लाए उसके अंदर, तो खबर ये है कि उन्होंने डिक्लाइन कर दिया कि वो हमारी कॉन्फ्रेंस से तो नहीं आ रही लेकिन उन्होंने कहा कि वर्चुअली वो उसको अटेंड करें। दूसरी खबर यह है कि साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने यह बताया कि उन्होंने उनसे कहा है कि 9th रिव्यू के लिए जो डेलीगेशन है उसको पाकिस्तान वो भेजे आएगा, तो प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि वो अब डेलीगेशन आएगा यहाँ पर। लेकिन उसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि साथ ही उन्होंने उनसे ये सवाल किया NDIMF ने कि आपके चाइना और सऊदी अरेबिया से कैसे रिलेशन कैसे ताल्लुक आ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जहाँ मैंने बताया कि बड़े अच्छे हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि उन्होंने फिर एक तो ये कि उन्होंने ये बात खबर छप रही है कि डिक्लाइन कर दिया, दूसरा ये कि उन्होंने ये क्यों पूछा कि आपके ताल्लुकात कैसे हैं, अगर उन्होंने हमें सपोर्ट करना है हमें IMF का प्लान में हमें लेना है तो फिर ये पूछने की क्या वजह? जो पहली बात है उन्होंने जो डिक्लाइन किया है डिप्लोमेटिक जुबान में ये पाकिस्तान को एक तरह का
यानी रिजेक्शन ही है ना पाकिस्तान की स्टैंडिंग को वर्ल्ड फोरम्स के अंदर और ये और वो, कि आप इस काबिल ही नहीं है कि आपके मसाइल में हम कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले सके। क्योंकि देखे 2011 में शायद